जस्टिस दीपक मिश्रा की विदाई के बाद अब न्यायमूर्ति जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रंजन गोगोई को 46वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल अगले साल 17 नवंबर तक होगा। जस्टिस रंजन गोगोई इस पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले न्यायाधीश हैं। तो कौन है रंजन गोगोई, क्या है इनकी उपलब्धियां और नए सीएजी के सामने क्या होंगी चुनौतियां, देखिए इस रिपोर्ट में। जस्टिस रंजन गोगोई ने आज देश के 46वें चीफ जस्टिस के रूप में पद संभाल लिया है। जस्टिस गोगोई ने अपना करियर गुवाहाटी हाई कोर्ट से शुरू किया। उनके पिता केशव चंद्र गोगोई असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। साल 1978 में गुवाहाटी हाई कोर्ट से वकालत शुरू करने वाले जस्टिस गोगोई 2001 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बने थे, जिसके बाद 12 फरवरी 2011 को जस्टिस गोगोई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 23 अप्रैल 2012 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और इसके बाद वे चुनाव सुधार से लेकर आरक्षण सुधार तक के कई अहम फैसलों में शामिल रहे हैं। उनके अहम फैसलों की बात करें तो जाटों को केंद्रीय सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के दायरे में बाहर करने वाली पीठ में वो शामिल थे। वो असम में घुसपैठियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बनाने के निर्णय में शामिल थे। सौम्या मर्डर मामले में ब्लॉग लिखने पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय कार्जू को अदालत में तलब किया था, उस फैसले में भी जस्टिस गोगोई थे। जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार के मामले में एसआईटी गठित करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। कोलकाता हाई कोर्ट की जस्टिस कर्णन को 6 महीने की कैद की सजा देने वाली पीठ में भी वो शामिल थे। अनुसूचित जाति के एक आदमी को दूसरे राज्य में आरक्षण कोटे का लाभ नहीं दिए जाने का निर्णय उन्होंने सुनाया था और अब वो आने वाले समय में चीफ जस्टिस के रूप में कई अहम फैसले सुनाएंगे। 13 महीने के कार्यकाल में उनके सामने कई चुनौतियां होंगी। उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल लंबित पड़े मामलों के निपटारे की है। देश भर की अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं। इसके अलावा अयोध्या मामला, अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 370, कोलेजियम में सुधार और पारदर्शिता, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर नए चीफ जस्टिस क्या फैसला लेते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।